नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी तो आज हम बात करेंगे एम पी पी एस सी मीन्स पेपर फोर यूनिट सेकेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रूढ़ीवादिता और स्टीडियो टाइप के बारे में और यह इस सीरीज़ का हमारा लेक्चर 16 है इसके पहले हम 15 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने मीन्स एम पी को ध्यान में रखते हुए एथिक्स को कैसे पढ़ा जाना चाहिए एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं पैटर्न सब कुछ डिस्कस किया देन इसके बाद सेकंड स्टार्ट मनोवृत्ति और उसी की कड़ी में आज हम बात करेंगे रूढ़ीवादिता और यह हमारी रूप से जो है की टॉपिक कवर करवा रहे हैं सो so गाइज अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देख, के, देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा क्या आपको आपने इससे कुछ सीखा क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार रहा सब कुछ तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं और रूढ़ीवादिता की बात करते हैं स्टीरियोटाइप रूढ़ीवादिता से पहले जस्ट हमने अभी पूर्वाग्रह को समझा है कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में जब हम बिना किसी जाँच के अनुभव के या समुचित ज्ञान से के पहले अपनी धारणा बना लेते हैं तो उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं तो पूर्वाग्रह जो है तथ्यहीन होती है तर्कहीन होती है और ठीक इसी की तरह रूढ़ीवादिता भी होती है yeah तो रूढ़िवादिता भी एक तथ्यहीन तर्कहीन और भ्रामक अवधारणा है यह पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक कारण होता है ठीक है पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक कारण होता है और यह अनुकूल भी, भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है अब वाटर लिपमेन ने सर्वप्रथम उन्नीस में स्टीरियोटाइप शब्द का प्रयोग किया था ठीक है कौन से शब्द का तो स्टीरियोटाइप शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में किया था और लिपमेन के अनुसार इन्होंने रूढ़िवादिता को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि रूढ़ीवादिता का अर्थ उन विचारों या वृत्तियों से है जो मस्तिष्क में जागृत होने के बाद एक चित्र या प्रतिमा अंकित कर लेते हैं अर्थात किसी व्यक्ति विशेष जगह या के प्रति क्या है एक धारणा बना देते हैं चाहे ही वो झूठी हो असत्य हो तो रूढ़िवादिता किसी समूह या विशिष्ट लक्षणों वाले लोगों की स्थूल सामनीकरण द्वारा निर्मित सामाजिक मनोवैज्ञानिक छवि है जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बारह बजे बाद सरदार का दिमाग खिसक जाता है पंडित तो होते ही पेटू है सारे गोरी चमड़ी वाले बुद्धि में श्रेष्ठ होंगे इस प्रकार से कई ऐसे आ, जो होती है रूढ़ीवादिता हमारे यहाँ समाज में फैली हुई है जहाँ पर हम बातों बातों में उसका उल्लेख करते हैं ठीक है तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसका साइंटिफिक डेफिनेशन को और देख लेते हैं और बात करते हैं किम्बॉल यंग के अनुसार किम्बॉल यह कहते हैं कि यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति वस्तु या जगह के प्रति क्या करते हैं का वर्गीकरण कुछ मिथ्या वर्गीकरण कर देते हैं ठीक है का वर्गीकरण क्या कैसे करते हैं मिथ्या वर्गीकरण कर देते हैं और ये मिथ्यता किस बात पर आधारित होती है हमारी पसंद नापसंद पर आधारित होती है अर्थात वो चीज़ या वस्तु हमें पसंद है या नहीं स्वीकृति है या नहीं या अस्वीकृति उसके आधार पर हम उसका क्या करते हैं वर्णन करते हैं बैरान तथा वर्ण के अनुसार किसी समूह के सदस्य के बारे में विश्वासों का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है रूढ़ीवादिता कहलाती है ठीक है तो आप दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर

ना होती है कि अमुक वर्ग के सभी सदस्य में एक समान विशेषताएं पाई जाती है जैसे कि अमेरिकन को बुद्धिमान ब्रिटिश कर देते हैं तो ये विश्वास पर आधारित होती होती है है सकारात्मक एवं नकारात्मक नकारात्मक प्रवृत्ति केवल ही नहीं होती है, बल्कि ये कभी कभी सकारात्मक भी होती है रूढ़ीवादिता से वर्ग विशेष के लोग जो होते हैं सहमत होते हैं और इनमें परिवर्तन जो होता है बहुत ही कठिनाई से होता है चलिए बात करते हैं रूढ़ीवादिता के प्रकार की तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार होता है व्यक्तिगत रूढ़िवादिता और दूसरा होता है सामूहिक रूढ़िवादिता व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल स्टीरो का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है जैसे हम बोलते हैं अध्यापक तो, अध्यापक तो अत्यधिक कठोर होते हैं ठीक है तो यहाँ पर टीचर को हमने रूढ़िवादिता से कनेक्ट कर दिया है सामूहिक रूढ़िवादिता का मतलब समूह विशेष से होता है कि, कि किसी जाति के व्यक्ति अच्छे होते हैं वगैरह वगैरह हम इस प्रकार से कर देते हैं तो ये जब हम किसी समूह के बारे में अपनी धारणा बनाते हैं तो वो सामूहिक रूढ़िवादिता कहलाती है और जब हम किसी व्यक्ति विशेष के मामले में बनाते हैं तो वे व्यक्तिगत रूढ़िवादिता कहलाती है रूढ़िवादिता का विकास एवं उसके निर्धारक तत्व आखिर में वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करते हैं कि रूढ़िवादिता का जो है निर्माण हमारे मस्तिष्क में हो रहा है तो इसके बेसिकली कुछ फैक्टर हम देखते हैं सामाजिक अधिगम अर्थात सोशल लर्निंग समाज ही हमें ये सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है और के एक व्यक्ति को सोच को एक क्लासिफाइड एक वर्ग विशेष में जो है वर्गीकृत कर देता है ठीक है जैसे कि ये कहने पर कि एक जाति विशेष के लोग बहादुर होते हैं ज्ञानी होते हैं परिश्रमी होते हैं कामचोर होते हैं हम ऐसी धारणा बना लेते हैं तो समाज से ही हम सीखते हैं मिथ्या ज्ञान अर्थात रूढ़िवादिता आंशिक ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित होती है यदि किसी एक जाति वर्ग समूह का कोई व्यक्ति कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसके समस्त समूह या जाति के बारे में लोग वैसे ही धारणा बना लेते हैं कई सांस्कृतिक परंपराएं ऐसी होती हैं ठीक है जो रूढ़िवादिता को जन्म देती है सामाजिक दूरी प्रतिष्ठा सुझाव अज्ञानता कटु अनुभव बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रूढ़ीवादिता को बनाते हैं या उसका स्थान आज भी बना हुआ है ठीक है तो ये सिंपल सी बात थी अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एग्जाम में पूछा जाता है पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता में अंतर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि रूढ़िवादिता जो होती है पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक कारण होती है तो आइए इनके बीच में अंतर भी हम स्पष्ट करते हैं इधर है पूर्वाग्रह इधर है रूढ़िवादिता अगर हम बात करें तो पूर्वाग्रह जो होते हैं ऑलवेज नेगेटिव होते हैं और ये हम पढ़ चुके हैं कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं अब ये नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है ये प्रतिकूल होंगे और ये जो है अनुकूल हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं रूढ़िवादिता जो होते हैं कार्यात्मक घटक जो होते हैं इसमें अधिक होते हैं ठीक है और इसमें जो होते हैं संज्ञात्मक घटक अधिक होते हैं अर्थात इसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं इसमें ये जो होते हैं कम स्थाई होते हैं और ये जो होते हैं अधिक स्थाई होते हैं इनमें परिवर्तन जो होता है थोड़ा सरल होता है लेकिन रूढ़ीवादिता में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है कठिन होता है अब पूर्वग्रह प्राय नेगेटिव होते हैं और इनके आधार पर ही विभेद किया जाता है और रूढ़िवादिता से सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो ये इसके प्रमुख क्या थे अंतर हमने पढ़े। इसी प्रकार एक टॉपिक और छूट रहा है कि भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता लिखे ये क्वेश्चन भी आता है तो भारतीय संदर्भ में अगर हम रूढ़िवादिता की बात करें तो रूढ़िवादिता के कई कारण हैं जैसे कि शिक्षा में कमी ग्रामीण पृष्ठभूमि सामाजिक संरचना धर्म का ज़्यादा प्रभाव है सामाजिक असमानता है ऐतिहासिक कारण है कई ऐसे कारण होते हैं जो भारत में रूढ़िवादिता को बनाते हैं और भारत में अगर रूढ़िवादिता के प्रकार की बात करें तो बेसिकली चार प्रकार के होते हैं एक होती है जातिगत रूढ़िवादिता एक होती है धार्मिक रूढ़िवादिता एक होती है लैंगिक या यौन रूढ़िवादिता और एक होती है क्षेत्रवत क्षेत्रगत रूढ़ीवादिता तो भारत में स्पेशली चार प्रकार की रूढ़िवादिता होती है तो अब आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी को एक्सप्लेन करना है अदरवाइज हमें बताइएगा हम इसके लिए भी ऊपर वीडियो लेकर जल्द ही आएंगे सो so गाइज बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग